नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, पटना में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को शहीद भगत सिंह चौक पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण खगौल पटना फुलवारी मार्ग काफी देर के लिए अवरुद्ध रहा। बाद में पुलिस ने सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार फुलवारी शरीफ में गुरुवार रात अपराधियों ने डेटा ऑपरेटर को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान डेटा ऑपरेटर सूरज कुमार की मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कन्हैया कुमार एवं राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह इसी घटना को लेकर गोविंदपुर मुसहरी के लोग उग्र हो गए। गुस्साए लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक को टायर ट्यूब जलाकर पूरी तरह जाम कर दिया। बता दें कि सड़क जाम कर रहे लोग प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस बीच लोगों ने रास्ते पर आने जाने वाले कई लोगों के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी इकरार अहमद दल बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और लोगों को खदेड़ दिया। बता दें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए जाम को खत्म करा। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने बताया कि हत्या के आरोप में कन्हैया कुमार एवं राहुल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए बने रहे न्यूज फॉर इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बात करते हैं।